Hello everyone, how are you all? I hope you all are watching and learning. तो जो सीरीज हम लोगों की चालू है हाउ टू लर्न इंग्लिश, उसी सीरीज में अब हम लोग फ्यूचर में थे और फ्यूचर में दो टेंसेज हम कर चुके हैं. ऑलरेडी वी हैव कम्प्लीटेड टू टेंसेज. सो नाउ इन फ्यूचर ग्रुप वी आर इन थर्ड टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिक टेंस, बहुत ही अनोखा यह टेंस है. इसमें एक ऐसी चीज़ कवर की जाती है जो जस्ट लाइक अजम्पशन होता है हमारा, मे बी करेक्ट मे नॉट बी करेक्ट, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में जस्ट अजम्पशन होता है. हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए हम लोग लेते हैं, तो उसको आज समझते हैं. और ये भी आपको एक और ज़्यादा लिखने और बोलने के लिए लिबर्टी देगा, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए टेंसेस बने हुए हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, वही सीखना होता है. टेंसेज मीन्स दैट इज़ वर्ड. अगर आपको ये रिलेट कर सकते हो माइंड में, तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी, बहुत ही आसान रहेगा टू राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड. वो चीज़ रिलेट करना ही टेंस है. बाकी अगली क्लासेस जितने भी होगी टेंसेज ख़त्म होने के बाद में, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट एंड स्पीक. दैट टाइम आई विल बी एबल टू टेल यू, बिकॉज सारे स्ट्रक्चर्स आपके पास में होंगे. इसलिए कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप ऑल द स्ट्रक्चर्स इन द माइंड. सबसे पहले आपका काम यही कि सारे सिचुएशन वाइज स्ट्रक्चर क्या बनता है माइंड के अंदर आपके पास होना चाहिए, फिर देखेंगे चीज़ें आसान हो जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फॉर द डे. आई हैव ऑलरेडी रिटर्न फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट मैंने लिख के रखा है और मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन बना दिया है, जस्ट ट्राई टू राइट इन वेरी सिंपल वे. बहुत ही आसान एक परिभाषा लिखने की कोशिश की है, आई थिंक आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन, एक ऐसे काल के लिए, एक ऐसे कार्य के लिए प्रयोग में आता है, विच विल बिगिन, जो कि शुरुआत होगा, एंड बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, और भविष्य में ये खत्म हो जाएगा. बड़ा अजीब लगता है ना सुनकर कि कोई कार्य शुरू ही नहीं हुआ, भविष्य का मतलब क्या है शुरू होना, और इसमें हम कह रहे हैं कि शुरू भी होगा भविष्य में और ख़त्म भी हो जाएगा. बड़ा अजीब सा लगता है सुनकर, लेकिन एक्चुअली समझाने की ये चेष्टा है. द ओनली थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपको एजम्पशन करना है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और हो सकता है वो क्रिया शुरू भी हो गई होगी. जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं किसी से मिला सवेरे, मैंने पूछा वेयर आर यू गोइंग, उसने कहा कि मैं जोधपुर जा रहा हूँ. उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से विदा ले लिए, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वो रवाना हो गया होगा, और मुझे अगर लगता है कि वो रवाना हो गया होगा तो मेरा एक कैलकुलेशन आएगा कि उस कैलकुलेशन से मैं बोलूँगा कि इतने बजे तक वो जोधपुर पहुँच चुका होगा. ऐसा हिंदी इसमें एंड अप होता है, चुका होगा. मैं लिख दूँगा अभी बोर्ड पे, तो आप लोग ये समझेंगे कि चुका होगा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मैंने एजम्पशन कर लिया कि पहुँच चुका होगा. मे बी उस पहुँचा ही नहीं हो, मे बी उसने जर्नी भी स्टार्ट नहीं की हो, तो सिचुएशन वैसी है. इसीलिए हमारे लिए तो वो शुरुआत हो गई और हमने उसे ख़त्म भी कर दिया, इसलिए एजम्पशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए इसका प्रयोग होता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे. नाउ मैंने लिख दिया है एजम्पशन है, मतलब कल्पना करते हैं या कोई हम ऐसे सोच लेते हैं, परिकल्पना कर लेते हैं. बाद में मैंने और थोड़ी क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, आई थिंक दैट विल बी मच क्लियर टू यू. कम्प्लीशन इज जनरली शोन बाय रिलेटिंग टाइम. टाइम को रिलेट करके हम कम्प्लीशन दिखाते हैं इसके अंदर. जनरली ऐसा नहीं है कि हमेशा ही है. मैं अगर ऐसा हिंदी में बोलता हूँ कि वो पहुँच चुका होगा, तो मैं उसका अंग्रेजी वर्जन बोलूँगा तो ही विल हैव रीच्ड. अब अगर मैं उसे टाइम से रिलेट कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर है. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम से रिलेट करके ये प्रश्न पूछा जाता है, तो वो कैसे टाइम को रिलेट करेंगे, पाई प्लस टाइम. अब जनरली क्या होता है कि बचपन से हम सीखते हैं तो बाई मीन्स द्वारा, जनरली. लेकिन यहाँ बाई का मतलब द्वारा नहीं है, बाई का मतलब तक, जो हम लोग टिल वगैरह ऐसे अनटिल का प्रयोग करके कहीं पे भी लिखते हैं. सो यहाँ टिल और अनटिल का प्रयोग नहीं होगा, यू हैव टू यूज़ बाई ओनली. सो बाई प्लस टाइम मैंने एक जनरल सा फॉर्मूला बना दिया है. अब वो टाइम कैसा दिख सकता है, दैट ऑलरेडी आई हैव मेंशन हियर, बाई इवनिंग, बाय 10 o'clock, बाय जनवरी, एटसेट्रा एटसेट्रा. इसका हिंदी वर्जन क्या हो गया, शाम तक, 10 बजे तक, जनवरी तक, कुछ ऐसा हो चुका होगा. दैट इज़ माई एजम्पशन या माई
थॉट. सो लाइकवाइज ये टेस्ट बहुत ही यूजफुल है कि अगर मुझे फ्यूचर का कुछ एजम्पशन देना है और कंप्लीशन देना है फ्यूचर का किसी एक्शन का, तो मुझे फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा. तो स्ट्रक्चर इसका कैसे बन गया है वो भी देख लेते हैं. आपको पता ही लग गया, अब तक काफ़ी टेंसेस कर चुके हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में लिखते हैं हम, वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब हिंदी से मैच करता, पर जनरली इन इंग्लिश सब्जेक्ट मीन्स फॉर व्हाट वी आर राइटिंग, वो सब्जेक्ट है, चाहे वो करता है, एक्चुअल करता है, डूअर है या नहीं है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस. द थिंग इज दैट फॉर व्हाट वी आर राइटिंग, तो वो सब्जेक्ट है. अब जैसा कि फ्यूचर शुरू करते ही मैंने आपको कहा था कि विल और शैल तो आपको हमेशा फ्यूचर ग्रुप के लिए यूज़ करना ही पड़ेगा. अब इसके लिए हमें हैव जोड़ना है. अभी हैव आया कैसे, इसकी भी एक लंबी थ्योरी है, मौका मिलेगा तो मैं वो भी समझाऊंगा. हैव, हैड और ये सारी चीज़ें अलग से कैसे काम करती है, एक अलग सी क्लास तो उसके लिए मैं लूँगा. मीन्स मैनी अ टाइम आई टोल्ड यू दैट इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आर मेड लाइक यू नो टेक्निकल, यू कैन से एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट दे आर टेकन. हर चीज़ को उन्होंने एक टेक्निकली सोच के बनाया है, लेकिन जहाँ जहाँ पे उनको लगा कि ये जो उनका कंसेप्ट है वो मैच नहीं कर रहा, वो सबको एक्सेप्शन के दायरे में डाल दिया, वो अपवाद जिसको बोलते हैं हिंदी में. अदरवाइज एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है हर एक चीज़ों का. इसका भी एक कभी क्लास करने का मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा. यहाँ पे ये जरूर हम क्लियर कर लेते हैं कि जितने भी परफेक्ट होते हैं उसके अंदर सब में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है. तो अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव थर्ड फॉर्म. हैव का ही सेकंड जो रूप है, मतलब उसका दूसरा जो रूप है वो हैज है और हैव, मतलब दोनों फर्स्ट फॉर्म है. तो वहाँ पर हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा. हैज हैव को अगर मैं पास्ट में लेता हूँ तो हेड बन जाता है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट बन जाता है. और यहाँ पे क्या है, विल शैल और उसके साथ में हैव, मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है हैव की, वो यूज़ करके इसको ऑक्सिलरी बना देते हैं और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं. मतलब थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट भी बताने की कोशिश की है कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. नाउ आई हैव रिटन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है, ही विल हैव रीच्ड जोधपुर बाई 10 AM. अब इसका मतलब हो गया कि वह जोधपुर 10 बजे तक पहुँच चुका होगा. सो यू कैन कीप इन द माइंड कि ऐसी कुछ हिंदी निकल सकती है, या ऐसी भी हिंदी हो सकती है, या होगा चला गया होगा, पहुंच गया होगा, एट्सेट्रा. तो थोड़ा सा आपको और फायदा हो जाएगा. मैंने वहाँ पे टाइम 10 AM मेंशन किया. कुछ भी मान लो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं, ये एरिया आपको ब्लैंक दिया हुआ इन केस, और आपके लिए वर्ब दे रखा है रीच. यहीं पे मैंने इसको ऐसा कर दिया है. अब अगर वर्ब रीच दे रखा है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये बाई प्लस टाइम कुछ आ रहा है, कोई भी टाइम हो बाई प्लस टाइम, यू मस्ट बी श्योर, आपको पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए और आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसकी वजह से ये कोई और टेंस पे फिलअप नहीं होगा. इसके लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा. और जैसा हम लोगों ने शुरू से सीखा है, आई और वी के लिए शैल जनरली यूज़ करते हैं, वैसे आप विल भी प्रयोग करो, कोई बात नहीं, आज के टाइम में मॉडर्न इंग्लिश में सब परमिटेड है. क्यों परमिटेड है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. और यहाँ पर मैंने वो विल हैव इसलिए यूज़ किया है, और ये थर्ड फॉर्म आ गया. तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया. इस प्रकार से ये भर दिया जाएगा और ये ट्रांसलेशन में भी कन्वर्ट हो गया. फिर मैंने एक कॉम्बिनेशन लिख के रखा है, फ्यूचर परफेक्ट एक्शन नंबर 1 बिफोर प्रेजेंट सिंपल एक्शन नंबर 2. अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी ऐसे एक कॉम्बिनेशन हम लोगों ने सीखा था. क्या सीखा था वो जस्ट मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर पास्ट में दो घटनाएं एक के बाद एक घटती है, तो जो एक्शन पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो एक्शन बाद में होता है उसे हम पास्ट सिंपल में लिखते हैं. लेकिन यहाँ पर मान लो कि मेरा अजम्पशन है कि फ्यूचर में कोई दो घटनाएं एक के बाद एक होगी, ऐसा कुछ अजम्पशन है. जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है हिंदी में, वो मैं बोलता हूँ आपके लिए, डॉक्टर के पहुँचने से पहले मरीज मर चुका होगा. मरीज अभी मरा नहीं है, लेकिन उसकी क्रिटिकल कंडीशन देख के ऐसा अजम्पशन लगाया जा रहा है कि मर चुका होगा, डॉक्टर साहब तो अभी आए नहीं है. तो मर चुका होगा वो एक्शन पहले हो जाएगा, और डॉक्टर के आने से पहले एक्शन वो दूसरा हो जाएगा. तो जो मर चुका होगा यानी एक्शन नंबर 1, इस केस में हमें फ्यूचर परफेक्ट में लिखना होगा, और डॉक्टर के आने का जो एक्शन नंबर 2 होगा वो हमें प्रेजेंट सिंपल में लिखना पड़ेगा. इसीलिए एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बिफोर को देखकर.
तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे पास्ट सिंपल भरा हुआ मिल जाए आपको, यहाँ आपको पास्ट परफेक्ट भरना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ आपको प्रेजेंट सिंपल भरा हुआ मिल जाए तो आपको यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट भरना है। ये तो हो गया फिलिंग दी ब्लैंक्स की बात। अगर इधर फ्यूचर परफेक्ट लिखा हुआ मिल जाए आपको प्रेजेंट सिंपल लिखना है इस साइड में। इधर पास्ट परफेक्ट भरा हुआ मिल जाए आपको यहाँ पास्ट सिंपल लिखना है। लेकिन जब लिखने की बात आती है कि भाई कोई चीज़ लिखना है, नरेट करना है फ्यूचर की दो घटनाओं के बारे में, तो आपको फिर वो देखना है कि जब दो घटना एक के बाद एक होगी तो उसमें से एक्शन नंबर वन कौन सा होगा। दैट यू हैव टू राइट इन फ्यूचर परफेक्ट एंड द सेकेंड थिंग यू हैव टू राइट इन प्रेजेंट सिंपल। चलो एक ट्रांसलेशन करके मैं बताता हूँ लाइव आपको, वही जो मैंने बोला था आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर मैंने यहीं छोड़ देना है आपके लिए। लेट अस सी। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका होगा, ये मैंने बोला था। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेस। नाउ यू सी, अगर ये घटना घटती है, घटी नहीं है लेकिन अगर घटेगी तो ये पहले घटेगी। दिस इज एक्शन नंबर वन, मरीज मर चुका होगा और डॉक्टर साहब के आने से पहले। सो दिस विल बी एक्शन नंबर टू, दिस विल बी रिटन इन फ्यूचर परफेक्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने इस पे मेंशन कर रखा था, फिर भी एक बार और कर देता हूँ मैं। और ये आपका प्रेजेंट सिंपल। So be careful about this combination because this combination always confuses with the past perfect and past simple combination. So you have to be very very cautious regarding this before filling कि कौन सा combination examination में मांग रहे हैं। कई बार आजकल दोनों साइड ब्लैंक दे देते हैं, तो दोनों साइड अगर ब्लैंक दे देंगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन फिट आ रहा है, तो फिट कौन सा आएगा। इधर इट इज़ गिवन फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल, ये कॉम्बिनेशन सही होगा, और गिवन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल, आगे पीछे कुछ और है, दैट कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वेल दिस टेंस। सो विल बी लर्निंग वन मोर टेंस in the next class and will be completing all our structure, then we would start real learning of English, because once you know the structure then only we can think about writing and speaking. Okay, thank you for the day, keep watching us, subscribe our channel, tell others also those are not known about this channel. Thank you very much.